उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज अपने 3 दिवसीय सिरमौर प्रवास पर नाहन पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। उद्योग मंत्री आज नाहन में जन समस्याएं सुन रहे हैं और उसके बाद कालाअंब में चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ निवेश व उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल वो शिलाई क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जन समस्याएं सुनेंगे। आज नाहन में उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पिछली सरकार ने इन्वेस्टर मीट की, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। अब सरकार कालाअंब, पौंटा, नालागढ़, ऊना में उद्योग विकास को लेकर प्रयासरत है। आज मेरा दौरा है, मैंने कालाअंब भी जाना है और चैंबर ऑफ कॉमर्स से मेरी आज मीटिंग भी है, उनसे रखी मीटिंग है और उनकी समस्याएं जो है वो सुनेंगे और जो भी समाधान होगा। हम हिमाचल प्रदेश में जो है निवेश को और जो उद्योगपति हैं उनको हिमाचल प्रदेश में हमारी लाने की कोशिश है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट की और इन्होंने जो है रोड शोज़ भी किए, मगर इन्वेस्टमेंट जिस हिसाब से प्रोजेक्शन की थी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं आई और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में तो MOU ही साइन हुआ है और धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। हमारी कोशिश होगी कि भी हम हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो उद्योगपतियों को दिक्कत आ रही है वो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है और हम बहुत सारे क्षेत्रों में कालाअंब है, पौंटा है, नालागढ़ बेल्ट है, ऊना है और उसमें हम जो है लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस हमने शुरू किया है और हम हिमाचल प्रदेश में जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास एक लैंड बैंक बनाएंगे ताकि कोई भी उद्योगपति जो आए वो उसको हम जो है साइट दिखा करके और लैंड उसको प्रोवाइड करके जो है वो उसमें आसानी होगी, क्योंकि 118 की जो प्रोसेस है उसमें बहुत प्रोसेस लगता है और उसमें जो उद्योगपति है और जो लोग हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो बना रहे हैं, हमने उसको फाइनलाइज ड्राफ्ट कर दिया है, उसको हमने फाइनलाइज किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट बना रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट को जो है वो ईजी हो जाए। इसके अलावा देश और हिमाचल प्रदेश के 12 के 12 ज़िले के लोग शिमला में रहते हैं तो वोटिंग हुई और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगर निगम में इतना बड़ा बहुमत जो है वो किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को कभी नहीं मिला जितना कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो ये सारे का सारा श्रेय जो है हमारे मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को, सरकार के काम को जो है और हिमाचल नगर निगम शिमला की जनता ने हमारी नीति, कार्यक्रम और नेतृत्व पे जो है मोर लगाई है।